हाय, वेलकम टू लॉलीपॉप लाफ्टर। अरे फिर आ गया मजा लूटने। शादी एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर सात जन्मों तक निभाने का वादा याद आ जाता है। हमसे तो एक नहीं निभ रही, अब भैया यहाँ तो कई चार चार निभा रहे हैं। बताओ एडजस्टमेंट देखो भैया, इनकी बहुत तगड़ी है, मानना पड़ेगा। ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। इरशाद इरशाद इरशाद, वाह वाह। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है, डूब के जाना है। शादी बिजली के दो तारों का गठबंधन है भैया। सही जुड़ गए तो प्रकाश ही प्रकाश, और गलत जुड़ गए तो धुआं धुआं धुआं। हजरात हजरात हजरात, आप लिबरल हो या कंजर्वेटिव, दोनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना राजमणि। तो चलिए लाफ्टर के इस शो में आपका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं। अरे शिरोमणि जी, अपना ही स्वागत करते रहोगे या आगे वीडियो को बढ़ाओगे? अरे प्रोड्यूसर साहब, कितनी बार कहा है आपसे शिरोमणि नहीं राजमणि, अब क्या करूं, यहां लिखवा लूं क्या आपके लिए मैं? अरे अरे अरे, गलती हो गई। वैसे भी बॉलीवुड में आजकल बहुत कुछ चोरी छिपे चल रहा है, कहीं ड्रग्स तो कहीं मर्डर, कहीं शादी। शादी कहीं आप सना खान के बारे में तो नहीं? हाँ सही सोच रहे हैं, लेकिन भैया देखो उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, उनके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहूंगा। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ा ही अल्लाह के आदेशों का पालन करने के लिए है और मानवता के खातिर। खैर लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, बॉलीवुड वालों ने मानवता करनी छोड़ दी क्या? खैर छोड़िए भैया, हमें क्या लेना देना। इससे एक बात तो सिद्ध हो गई, किसी बड़े महापुरुष ने कहा है, इस सिनेमा लोगों का ऐसे ही बनाता रहेगा, और सही भी कहा है। चलिए आपको बताते हैं बॉलीवुड अदाकारा सना किसके प्यार में हुई फना। सम्मोहक मारण वशीकरण के जादूगर मुफ्ती सैयद से उनका हुआ है निकाह। वहीं सना खान भी रोमांटिक अंदाज में गुनगुनाती नजर आई। मैं तेरी नचाई नाचू सो इस बॉलीवुड की औकात नहीं। इस पर एक गाना याद आ गया, तार बिजली से तार बिजली से पतले हमारे पिया। अम्मा बिरयानी खाना तो हैदराबाद आना, लेकिन ऐसा नहीं है, अब आपको बिरयानी खाने के लिए हैदराबाद जाने की आवश्यकता नहीं है, बिरयानी खाना तो हिंदुस्तान टाइम्स के ऑफिस में जाना। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, तो चलिए आपको बताते हैं ऐसा क्यों। कि भैया जब सना खान निकाह करके अपने ससुराल पहुंची तो वहां बिरयानी बनी, तो ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि अम्मी जान ने बड़े लाड प्यार से उनके लिए बिरयानी बनाई। तो भैया देखो हिंदुस्तान टाइम्स खबर तो भैया एकदम पुख्ता देता है, हमें तो पता ही नहीं थी बड़े लाड प्यार से बिरयानी बनती है, हम तो ऐसे ही खा के चले जाते थे हैं। अब इसी लाड प्यार की बात थी तो अम्मी जान थोड़ा सा लाड प्यार अपने लवंडे पे भी दिखा लेती। देख रही हो क्या हालत हो रही है अगले की, सूख के हो गए हैं चुवारे पिया, कुछ खाते नहीं है, कुछ खाते नहीं है हमारे पिया, कुछ खाते नहीं है। देखो कितना एम्पावरमेंट कर रहे हैं वुमेन का, इनसे सीखो कैसे होता है महिला सशक्तिकरण। अम्मा ये समझ में नहीं आ रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। खैर हमें क्या, तो मैं अपने लिबरल भाई बहनियों से छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल इत्तू सा, कि हमने तो सुना है घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, हैं? तो क्या ये हिजाब में भैया आंखों के से पूरा हो जाता है क्या? हिजाब में जिसमें आंखें चमक रही हैं उसमें पूरा हो जाता है क्या? खैर पता नहीं क्या होता है। आज की जो खबर है हम उसमें ना हलाला की बात करेंगे, न ट्रिपल तलाक की बात करेंगे, न बहुविवाह की बात करेंगे, ना ही लव जिहाद के बारे में कोई मुद्दा छिड़ेगा, ना ही धार्मिक कट्टरपंथियों के बारे में कोई बात होगी। आज तो भैया खुशी का मौका है, तो पेश है आपकी खिदमत में सना खान का लॉलीपॉप तारुफ। अबे हकले शुरू क्यों नहीं करता? ए, एक लड़की थी दीवानी सी। अरे भैया सुनो ना, एक लड़की थी दीवानी सी, बॉलीवुड के घरों पर थिरकती थी, छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, मॉडल थी, क्या क्या करती थी, जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, हे ये प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और बस मैं यही कह पाता था। ओ लेकिन अब देखिए अब क्या हो रहा है। देखिए ये सब तो निगेटिव गॉसिप्स हैं, लेकिन हमने आपके लिए मुशायरे का इंतजाम किया है, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो पेश है आपकी खिदमत में मशहूर शायर आशिके हुस्न। अमां मियां क्या बोल रहे हो, आशिके हुस्न नहीं है, आसिफ हसन है। ओहो गलती हो गई गलती हो गई। चलिए अमा तमीज लहजा हया भी कोई चीज है या सब बेच कर खाई तुमने? नहीं नहीं है, है, है। चलो वक्त जाया ना करो, शायरी पढ़ देते हम तो। अमा सना खान की खूबसूरती पर हमने भी कुछ अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। इरशाद इरशाद इरशाद। जलवों की साजिशों को जलवों की साजिशों को न रखो हिजाब में। वाह 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 वाह। या बिजलियां हैं भुक न सकेंगी ना कान में। अरे वाह 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 वाह। भाई साहब मौज खड़ी कर दी आपने तो। अगला सुनिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गौर फरमाइए। पर्दे में खुद को छुपाए हुए हैं, जो पर्दे में खुद को छिपाए हुए हैं, पहले कयामत वही तो उड़ाए हुए हैं। अरे मियाँ क्या बोल रहे हैं आप, शो बंद करवाएंगे, जनता चली जाएगी। प्रोड्यूसर साहब ये अमा इसी को सुनने के लिए तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कैसी बात कर रही हो तुम। अरे शायर साहब आप भी चलिए, अब ये इससे तो समा बन जाएगा। चलिए बताइए समा। जी बिल्कुल समा ही बांधना है। चेहरे पे चेहरा। जी बिल्कुल वाह वाह क्या बात है। चेहरे पे चेहरा वाह वाह। हिजाब और नकाब। वाह क्या बात है क्या बात है। चेहरे पर चेहरा हिजाब और नकाब। क्या लिखा है। इतने रंग बदल कर भी तो थकती नहीं सना खान। जी 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार तालियां बजा दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। छुपाते हो अपनी फितरत मियां। वाह वाह बिल्कुल बिल्कुल। छुपाते हो अपनी फितरत मियां। क्या बात है क्या बात है। गैरों का नकाब बुरा लगता है। वाह 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 वाह। छुपाते हो अपनी फितरत मियां, गैरों का नकाब बुरा लगता है। वाह वाह क्या लिखा है क्या लिखा है सर साहब। पहन रखा है झूठ का सूत। वाह वाह। पहन रखा है झूठ का सूत, गैरों का काम बड़ा बुरा लगता है। वाह 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 बहुत सही सर साहब। अगर इजाजत हो तो हम भी कुछ अर्ज करें। ऐसा ऐसा जी। सलीका तुमने पर्दे का बड़ा अनमोल रखा है। वाह वाह। सलीका तुमने पर्दे का बड़ा अनमोल रखा है। अरे मार ही डालोगे। यही कातिल निगाहें इन्हीं को खोल रखा है। अरे वाह मेरे से हमारा सुन लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद। ये तेरा काला काला लिबास। वाह 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 बिल्कुल। ये तेरा काला काला लिबास। वाह 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 सर साहब। सावन का घनघोर अंधेरा। वाह वाह क्या बात है क्या बात है। और फरमाइएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। काला लिबास सावन का घनघोर अंधेरा। जी और हो जा कर दे सवेरा। अरे प्रोड्यूसर साहब हैं। अरे सर साहब शो बंद करवाएंगे फिर आप ये मत कहना कि व्यूअर्स नहीं आते। मियां ऐसे शेर सुना के क्यों खिजापट करवा रहे हो। अरे हमारा शो बंद हो जाएगा, जनता चली जाएगी। ना तू शायर है ना शायर का भतीजा, ना तू शायर है ना शायर का भतीजा, तुझे धक्के मारूंगा ना खुद ही चला जा। अब एक बात मेरी समझ से परे है, कौन सही और कौन गलत है। जहां एक तरफ बॉलीवुड में कम से कम कपड़े पहनकर ऑलमोस्ट हाफ नेकेड को सही माने, या फिर उतना जितने में सिर्फ आंखें चमकती हैं। खैर भैया हम तो गीता के ज्ञान पे जी रहे हैं, मध्यम मार्ग पे चलो आगे बढ़ो। ओ कित चलिया गोबिदा पुल बन के कुड़िए। अरे प्रोड्यूसर साहब क्या करोगे, शो बंद करवाओगे क्या? अभी शो खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए फिलहाल आज के शो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम आपके लिए फिर लेके आएंगे लॉलीपॉप लाफ्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।